अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे सुनने वाले दोस्तों सब नू मेरा सलाम वालेकुम। मेरा नाम शराफत अली है रहमानी। मैं नवी वीडियो लैके तुहाडे वास्ते हाजिर होया। ये मेरा पंजाबी चैनल है फरियाद महमूद। इहदे ते तकरीबन मेरिया काफ़ी वीडियो जिहड़ियां ने चल रही ने। हर वीडियो सुनने वास्ते इहनू सबसक्राइब करके घंटी ऑन करो ताकि हर वीडियो तुहाडे कोल आसानी पहुँचे। बड़िया बड़िया गल्लां सुनाईयां ने। अज मैं तुहानू एक गल सुना रहा। भैन जी का होटल बड़ा मशहूर है। ये होटल मुल्तान दे विच है। एक बंदा सी गरीब जा माड़ा जा बेचारा। इको एक उनकी बीवी सी, धी पुत्र उनके कोल कोई नहीं सी। काम कार करता सी, मेहनत मजदूरी करके ते आपदा वो वक्त पास करते सन। वो बंदा बीमार हो गया। जो बीमार होया ना तो उन्हें सोचा भी हुण की करांगे, कौन काम करेगा, कौन कमा के लियावेगा, कौन खवावेगा। तुहानू पता भी शरीका तो इस किस्म का होंदा है। वो शरीक नूं किसे दात्री पुछी भी यार दात्री देने लाई करनी है, तो उन्हें दात्री ना दिती शरीक नूं भी मत लाई ना कर लवे। शरीक तो सब तमाशा वेंदे ने, वह किसी नूं देंदे कुछ भी नहीं। खैर वो जिहड़ी औरत सी ना हुंदी, बीवी हुंदी उस बंदे दी, बड़ी समझदार ते दिनहार सी, अकलमंद सी। उहनूं पजाई फिरी कदे किसे हस्पताल कदे किसे हस्पताल, उहदा इलाज करांदी रही, लेकिन वह बंदा सेहत याफ्ता ना होया, बीमार ही रहा। फिर वो औरत ने सोचा कि मैं काम करा, कौन सानूं खर्चा पानी देवे। उन्हें अपने बंदे को इजाजत ली भी अल्लाह के बंदे जे अगर तू इजाजत देवे तो मैं कुछ थोड़ा बहुत काम करा, कुछ चार आने कमाव किस पास, कौन अपनों खर्चा देवेगा, खर्चा तो खत्म हो गया। उस बंदे आख्या भी नहीं, ये गल नहीं बनती, साढ़े बच्चे इस चीज़ को मना समझा जाता है। जिहड़ियां बीबियां बाहर जा के तो काम कर करदियां, लेकिन काम करना इबादत है। बीबी करे चाहे बंदा करे, अगर बीबी कोई काम करती आपकी इज्जत हया रह के तो काम करे तो वह उनके कोई लवाई नहीं, कोई फर्क नहीं है। कर दिया ने औरत बड़े बड़े कर दिया। खैर उन्हें तसली दी, उन्हें कहा तू दिल जे फिक्र ना लिया, अल्लाह के हुक्म नाल तेरी इज्जत जी कायम है, किसी जूतरी का जो बड़ी निगाह नाल वेख जाए, तू मैं इजाजत दे। लो जी उन्हें इजाजत दे दी। वो बीबी जी जनाब उन्हें चौल पका लाए, नाल को दाल पका ली, कुछ थोड़े जो बर्तन प्लेटा ले लिया, तो बाहर चौंक जाके तो उन्हें बेचना शुरू कर। ऊन का जो खाना से ना वो विकन लग पाया। हौली हौली जो काम चलता चलता वाहवा चल गया। फिर उन्हें एक ठेला बना लिया, रेहड़ी झोंपी वाली जी हूँ तकन वाली, घरों खाना पकावे रेहड़ी के उत्ते रख लवे, तो रेड़ के तक के उन्होंने आदा चौंक से लै जाए, तो उत्थे आदा खाना बेचती रहे। खाना उनका बड़ा मशहूर होया, बड़े बंदे खान। तुहानू पता है भी सारिया पंजे उंगली इको दिया नहीं होंदिया, विच को बंदे छूदे भी होंगे ने। एक बंदे ने कुछ थोड़ा जो इशारा किया भाई तू दूसरा काम करनी, तेरा बंदा कौन काम करने वाला। उन्हें कहा भाई साहब मेरा बंदा जो बीमार है वो काम नहीं कर सकता, ताकि मैं काम फिर मैं लगी काम कर। उन्हें कहा तू इवें कर, हाँ उन्होंने दफा कर परा बीमार न, तो तू इधर मेरे लिया मेरे ना निकाह कर, तो बैठी बिठाई रोटी खा, तो इन्हू क्या काम कार करना पाएगा, आराम ना खा। खैर वो गल उन्हें की, तो उन्हें दिल च बड़ा गम आया उस औरत दे विच भी इस बंदे ने मैनूं गल गलत आखी है, क्यों आखी है। खैर घर गई, समझदार सी उन्हें, वो गल अपने दिल दे विच रखी भी जे अगर मैं बंदे नूं दसां तो मत उन्हें दिल च कोई गल ना जाए, गम ना करे। दिल दे विच गल रखी, काम करदी रही, कारोबार उहदा चंगा चलिया। फिर जे उन्हूं पता लगा कि फलानी एक कोई मार्केट उहदे विच काम अगर ऑर्डर बन जाए ना, तो उत्थे काम चंगा चलता, तो फिर उत्थे मैं खाना किवें ले जाऊंगी, किस तरह करूं पका के ले जाना। लो जी उन्हें एक रक्षा बना लिया। फिर रक्षा बना के तो रक्षे के ड्राइवर उन्हें ड्राइविंग को खुद सीखी, आप ड्राइवरी करे, रक्षा चलाने का बल सीखा। फिर उन्हें उस मार्केट जाके एक दुकान खरीदी बड़ी सारी, तो होटल बनाया, घरों खाने पकावे अपने रक्षे के उत्ते लद लवे, तो उस अपने होटल तक जाकर बेचे।
ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਖਾਣ ਤੇ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲਜ਼ਤਦਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੋਟਲ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੋਟਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੋਲਣ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੀਤਾਂ ਵੇਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਵੇਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਏ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੋਹਨ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਭੇਡਾਂ ਸੱਸੀਆਂ। ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸੂਲੇ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗੀ ਡਾਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਫਰਿਆਦ ਮੂਦ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਆਈਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।